तो बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज जो कि बेंटन यूनिवर्स की काफ़ी पॉपुलर और काफी यूनिक सीरीज थी, जहां पे हमें काफी सारे यूनिक अल्टीमेट एलियन देखने को मिले थे जिनके पास काफी ज्यादा पावर थी। और आज हम बात करने वाले उन्हीं में से एक अल्टीमेट एलियन के बारे में जिसका नेम है अल्टीमेट बेबिक। और आज देखेंगे कि अल्टीमेट बेबिक का ओरिजिन कैसे हुआ था और इसके पास कितनी ज्यादा पावर है। तो अगर आप लोग भी अल्टीमेट बेबिक के बारे में ये सारी बातें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बेंटन क्लासिक में हमें बेबिक देखने को मिला था जो कि अल्टीमेट बेबिक का नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन बेंटन एलियन फोर्स में जब अल्टीमेट्रिक्स आई और उसके बाद वो बेन को मिली तो बेंटन अल्टीमेट एलियन के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला कि डैगन के साथ फाइट करने के लिए बेन को बेबिक का यूज करना पड़ा, लेकिन बेबिक काफी ज्यादा स्मॉल एलियन लग रहा था डैगन के सामने, इसलिए बेंटन ने बेबिक के अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अल्टीमेट बेबिक का यूज किया जिसका साइज बेबिक से दुगना था और वहीं पे फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिली थी अल्टीमेट बेबिक की। तो ये तो इसका ओरिजिन हो गया। अब बात करते हैं इसकी पावर एबिलिटी के बारे में, आखिर अल्टीमेट बेबिक है कितना ज्यादा पावरफुल। तो यहाँ पे अगर बात कर ली जाए इसकी पावर्स की तो इसकी पावर्स में सबसे मेन इसकी जो पावर है वो है कॉस्मिक पावर्स जो कि नॉर्मल बेबिक भी यूज कर सकता है, लेकिन जब ये कॉस्मिक पावर्स को यूज करता है उस टाइम पे गाइस इसका पावर लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बेबिक जो है जिस हैंड का यूज करके यहाँ पे कॉस्मिक पावर का यूज करता था, अल्टीमेट बेबिक जो है अपोजिट हैंड को यूज करता है कॉस्मिक पावर का यूज करने के लिए, वहीं पे नॉर्मल बेबिक कॉस्मिक रे का यूज कर सकता है जबकि अल्टीमेट बेबिक जो कॉस्मिक रे के अलावा कॉस्मिक डिस्क का भी यूज कर सकता है और अपनी बॉडी को काफी स्पीड से रोटेट भी कर सकता है जिससे इस पे कोई अटैक किया जाता है तो वो अटैक इसकी बॉडी पे लगता ही नहीं है। अब नॉर्मल बेबिक को हम लोगों ने देखा है कि बेबिक जो है फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अल्टीमेट एलियंस में हमें देखने को मिला कि अल्टीमेट बेबिक ने फ्लाई भी किया था डैगन को जमीन पे गिराने के लिए और उस टाइम पे गाइस फ्लाई करके वो काफी ज्यादा ऊपर तक गया था। और अगर आप लोगों ने बेबिक को अच्छे से नोटिस किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके हाथों पे काफी ज्यादा शार्प ब्लेड होते हैं जिसकी वजह से बेबिक जो है इजिली किसी भी बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े भी कर सकता है। और यहाँ पे अल्टीमेट बेबिक के पास भी वो ब्लेड्स हैं जिनका यूज करके अल्टीमेट बेबिक जो है बेबिक से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर सकता है। अल्टीमेट बेबिक की कॉस्मिक डिस्क इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अल्टीमेट बेबिक के कॉस्मिक डिस्क के एक अटैक से डैगन का जो टेंटिकल है उसकी बॉडी से अलग हो गया था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेंटिकल था। हालांकि अल्टीमेट बेबिक ने उस टाइम पे कॉस्मिक रे का भी यूज किया था लेकिन कॉस्मिक रे से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था डैगन को, लेकिन यहाँ पे जैसे ही अल्टीमेट बेबिक ने कॉस्मिक डिस्क का यूज किया तो वहाँ पे डैगन का जो टेंटिकल है वो उसकी बॉडी से अलग हो गया। और यहाँ पे जैसे ही बेंटन जो है नॉर्मल बेबिक से अल्टीमेट बेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है उस टाइम पे इसका स्पीड लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हमें पता है कि नॉर्मल बेबिक की भी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही बेंटन अल्टीमेट बेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है उस टाइम पे इसका स्पीड लेवल 4 गुना हो जाता है। तो अल्टीमेट बेबिक बेंटन का ऐसा एलियन था जिसने डैगन को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि उस बैटल के दौरान डैगन ने वेदर को मैनिपुलेट करके एक तेजाब की बारिश कराई थी जिसके बाद अल्टीमेट बेबिक जो है वहां पे नहीं टिक पाया। काफी लंबे टाइम तक उस बैटल में लड़ने के बाद बेंटन का अल्टीमेट बेबिक जो है उस बैटल को हार गया था। तो ये था अल्टीमेट बेबिक का ओरिजिन और उसकी पावर एबिलिटी। आपको ये सब जान के कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे बताना और आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ये भी बता देना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।